एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज फाइनली आईसीए ने हमारे एग्जाम्स के डेट्स अनाउंस कर दिए। दैट इज जो मई 2021 का एग्जाम्स पोस्टपोन हुआ था हमारा, वो अब 5 जुलाई 2021 को हमारे एग्जाम्स उस दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। रूटीन भी शेड्यूल भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा एंड ये एग्जाम्स मुझे लगता है अब कन्फर्म ही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही था कि इतने जल्दी डेट्स आ जाएंगे, क्योंकि सिचुएशन अभी भी खराब है एंड पर्सनली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसी मंथ में हमारे एग्जाम्स के डेट्स आ जाएंगे। तो आप अभी वापस ये बिल्कुल भी ना सोचे कि हाँ शायद फिर से क्या पता पोस्टपोन होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आईसीए ने अगर ये डेट्स अनाउंस किए वो भी इस मोमेंट में, तो बहुत कुछ सोच समझ के ही क्या होगा। उन्होंने इंटरनली बहुत सारे प्लानिंग कर लिए होंगे वो ऑब्वियसली, कि कैसे कहाँ पर क्या एग्जाम कंडक्ट करना है उनको। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट मैं कहूंगा 100% ही आप कंफर्म ही समझिए कि 5 जुलाई को आपके एग्जाम्स होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम आज से देखें, आज से हमारे पास टोटल पूरा 40 डेज बचा हुआ है। तो 40 डेज ही हमारे पास है, इसी 40 डेज में आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो सिंगल ग्रुप में आपको 4 पेपर्स प्रिपेयर करने, बोथ ग्रुप है तो बोथ ग्रुप आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी बनाए कि रेगुलरली रेगुलरली आप एटलीस्ट 12 रेगुलरली आप एटलीस्ट 12 आवर्स की पढ़ाई कीजिए। 12 आवर्स मस्ट भी आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा इतना। एंड कोशिश कीजिए, अगर कोई लेट पढ़ाई करता है तो वो कोशिश करे कि वो रात को 3 बजे तक या 4 बजे तक पढ़ाई करे। कोई अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करता है तो वो ट्राई करे कि वो सुबह 3 बजे पढ़ाई करे, क्योंकि मेरा मानना ये कि 11 PM से लेके 7 AM तक जो आपका रात का समय होता है पूरा, उस वक्त पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा, आप इधर जल्दी सो जाओ एंड सुबह जल्दी उठ के 3 बजे उठ के पढ़ाई करो आप, या फिर आप जल्दी नहीं सो सकते हो तो आपको लेट नाइट फिर पढ़ाई करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर आप एटलीस्ट दिन का 2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट आप चलाए, अगर पॉसिबल हो तो दिन का 3 सब्जेक्ट चलाए आप, ब्रेक कर ले आप अपने 12 आवर्स या 14 आवर्स को आप ब्रेक कर लीजिए। जितना आप एटलीस्ट 12 आवर्स तो पढ़ाई करोगे तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो कि 2 सब्जेक्ट में आपने 5 आवर्स 5 आवर्स पढ़ाई किया, 1 सब्जेक्ट में आपने 2 आवर्स का पढ़ाई कर लिया। तो इस तरीके से आपको प्रिपेरेशन करना है। और जबकि जैसे मैं सिर्फ FR एंड SFM ही पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि FR के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एटलीस्ट आपको भी, अगर आपका प्रिपेरेशन बहुत ही अच्छा, अच्छी बात है, आप रिविजन स्टार्ट कर दीजिए अच्छी तरीके से। आपको स्टडी मटेरियल ही रिवाइज करना चाहिए आईसीए का, जितने वो सारे क्वेश्चन है उसके अंदर, और अगर 5 RTP MTP वगैरह करते हो अच्छी बात है। अदरवाइज स्टडी मटेरियल के मैं आपको कहूंगा FR के अंदर, स्पेसिफिकली FR के अंदर स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन आप कवर करके जाइए, सारे क्वेश्चंस आप कवर करके जाइए। और यहाँ पर हमने भी अपने एप्लीकेशन के अंदर हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया था, आज से 3 to 4 डेज बैक हमने कोर्स लॉन्च किया था, डेट इज 2950 का हमने कोर्स लॉन्च किया था, 30 डेज का वैलिडिटी वाला। तो वो भी हमने सारे स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है, वो 5 जुलाई तक आराम से वो देख पाएंगे, ऐसा नहीं कि 30 डेज में उनका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। तो वो भी रहेगा यहाँ पर, मेरी तरफ से भी जितना हमें पॉसिबल रहेगा मैं उतना और रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर ऐड करते जाऊँगा फॉर योर मे एग्जाम्स एंड अपनी तरफ से मैं बेस्ट कोशिश करूँगा। और आपको भी अच्छी तरीके से FR में फोकस करना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिखने को टफ लगता है, पर आप अगर अच्छी तरीके से मेहनत कर लोगे ना, आप आराम से 70 80 90 भी लेके आप आ सकते हो। और एक पेपर में आप सोचिए, अगर एक पेपर में आपका 70 प्लस आ गया ना, आपका एग्रीगेट इशू तो कभी भी नहीं आने वाला, एंड आप अच्छी तरीके से आराम से आप ग्रुप को निकालोगे। सो इसलिए एटलीस्ट FR या SFM की अगर मैं बात करूं, दोनों प्रैक्टिकल टॉपिक है एंड दोनों मैनेजेबल है, इजी भी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर लेते हो तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपके लिए स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान भी हो सकता है। तो आप पढ़ाई एकदम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, पैनिक बिल्कुल भी ना करें। अभी इस सिचुएशन में आप पैनिक करोगे, नुकसान आप ही का है, कुछ नहीं होने का। आप ये ना सोचिए कि 100% कोर्स कवर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, जितना आपके लिए बस में है, जितना आपके लिए पॉसिबल आप उतना कोर्स कवर करके जाओ। ऐसा जरूरी नहीं है, कितने जन 100% कोर्स कवरेज करने पर भी क्लियर नहीं हो पाते, तो कितने जन 70% कोर्स कवर करने पर भी वो क्लियर कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 70% कवरेज करना, आपको कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कवरेज करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके ये 40 डेज में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 40 डेज में बहुत कुछ किया जा सकता है। इवन अगर आपने पहले सब कुछ पढ़ रखा है और अगर आपने इस 40 डेज का आउटपुट नहीं निकाला प्रॉपर, आपने इस 40 डेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, तो दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि यही सबसे क्रूशियल टाइम है। इसी टाइम में आपने जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया उतना ही ज्यादा आपका चांस होगा ग्रुप निकलने का, CA बनने का, उतना ही आपका ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे एंड अपना बेस्ट एफर्ट दोगे और जल्द से जल्द आप CA बन जाओगे। चलिए, बाय बाय।